इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल, और इस मुश्किल वक्त में हुआ है चुनाव। 8 फेज में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक बंगाल का चुनाव हुआ। बंगाल में कोरोना तो बढ़ा है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा। शुरुआती 6 फेज में औसतन 80% वोटिंग हुई है, जिससे यह लगता है कि चुनाव में लोगों की बहुत दिलचस्पी है। आखिरी 2 फेज में कोरोना का जब सबसे ज्यादा असर रहा, बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का व्हीलचेयर पर चुनाव प्रचार भी देखा गया, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का बंगाल में शक्ति प्रदर्शन देखा, चुनावी हिंसा भी देखी, लगभग हर रोज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखी। अब सवाल यह है कि बंगाल में खेला होबे या परिवर्तन होबे। आज इंडिया टीवी आपके लिए ये एग्जिट पोल लेकर आ रहा है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार हैं, और अजय खुद बंगाल जा चुके हैं। बंगाल में जाकर के उन्होंने कई इंटरव्यूज किए, इसके अलावा बंगाल की चुनाव की एक एक खबर पर उनकी नजर रही है, और अजय कुमार जाने जाते हैं अपने सटीक विश्लेषण के लिए। तो आज अजय कुमार का विश्लेषण आपके सामने होगा। स्वागत है अजय आपका। धन्यवाद सौरभ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुश्किल दौर अपने आप में हम सबों के लिए कई चुनौतियों को लेकर आया है, और अगर आप देखें तो इस बार की ये जो 5-4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी का जो चुनाव हुआ है, इसने विषम परिस्थितियों को सामने रखा है। अगर आप 12 अप्रैल तक की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि इस देश में चुनाव के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ सपाट था। महाराष्ट्र में कोरोना का महाकाल था, लेकिन चुनाव बदस्तूर जारी थे। लेकिन जैसे ही बंगाल में 4th फेज का इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद से पूरे बंगाल में ही नहीं, देश भर में सिर्फ और सिर्फ कोरोना की धमक थी। कोई चुनाव की बात नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद बंगाल की जनता के लिए वाकई में सर झुक जाता है, और यूं कहें तो एक तरह से सर उठ भी जाता है। एक तरफ बड़ी लापरवाही दिखी बंगाल में, जहां कोरोना काल में लोग अपने आप को बचा नहीं रहे थे, कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे थे। सर्वोत्साह इसलिए है कि जिस बड़े पैमाने और उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया, वो बताता है कि लोगों की आस्था डेमोक्रेसी में, यानी कि हमारे लोकतंत्र में कितनी बड़ी है। सौरभ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, इस पूरे मामले को अगर देखें तो बड़ा बहुत ही अलग और विचित्र तरह का चुनाव है। कम से कम अपने पूरे करियर में मैंने ऐसा चुनाव अभी तक नहीं देखा। और आज जो नतीजे आएंगे, क्या उसके बाद भी आप ये कह पाएंगे कि ऐसे नतीजे भी आपने देखे या नहीं देखे? एग्जिट पोल के नतीजे, माफ कीजिएगा, एग्जिट पोल के नतीजे, चुनाव के नतीजे नहीं। पंकज भार्गव भी हमारे साथ हैं, और पंकज भार्गव खुद बंगाल की राजनीति में बड़ी दिलचस्पी भी रखते हैं, और मैं आपको बता दूं, ये रहने वाले हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन बड़ी फर्राटेदार बंगाली बोलते हैं, समझते हैं, तो इसीलिए बंगाल के इलेक्शन में इनका अपना बड़ा इंटरेस्ट रहा है। जो भी कुछ जितने भी चरणों के अंदर फेरबदल हुए, उन सब पर उनकी भी खास पकड़ रही है। तो पंकज, आज के एग्जिट पोल आपको लगता है चौंकाने वाला होने वाला है? बिल्कुल, एग्जिट पोल चौंकाने वाला है। और आपने चूंकि मेरा जिक्र किया, मैं हिमाचल से हूं, लेकिन मेरे नेबर्स जो हैं वो बंगाली रहे हैं, तो मेरा बहुत दिलचस्पी हमेशा से बंगाल की संस्कृति, बंगाल की पॉलिटिक्स, इन सब में रही है। और सौरभ, और जैसा कि आपने बताया, अजय ने बताया, बहुत मुश्किल वक्त में यह चुनाव हुआ है पूरे 5 प्रदेशों में। लेकिन अगर बंगाल की खास तौर पर बात करें, तो हमने देखा ओवर द पीरियड की कितनी बड़ी संख्या में इस बार लोग जो हैं वो वोट देने के लिए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए, और जिसका देखना होगा कि कितना फायदा दोनों पार्टीज को होता है, खासतौर पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को होता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज एग्जिट पोल जो होने जा रहा है, वो अभी तो हम जब आंकड़े दिखाएंगे तो वो जीरो होगा, क्योंकि अभी वो कैलकुलेशन शुरू हो गई है, लेकिन वो भरना तब शुरू होगा जब, चूंकि चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं, तो ऐसे में उसका पालन करना होता है। तो आज कम से कम ये पोजीशन क्लियर होगी कि किसकी सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में। अजय, अब आपने तो इतने चुनाव देखे, कवर किए हैं, इस किस्म के जब पोल होते हैं तो उसमें व्यक्ति की सबसे बड़ी दिलचस्पी ये होती है कि क्या ये क्लियर कट सरकार बनने की ओर कोई इशारा दे रहे हैं या कोई गड़मड़ वाला मामला है। बंगाल में अब तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2010 के बाद से जो हमारे देश की राजनीति है, उसमें मूलभूत परिवर्तन हमने देखा है। गड़मड़ वाले चुनाव आमतौर पर बड़े अब कम होने लगे हैं, उसके बाद से अब एक तरफा चुनाव होने लगा, लोगों ने अपने मत को बिल्कुल एक तरफ रखा है।
या तो एक राजनीतिक दल या उसका विरोधी राजनीतिक दल, बीच में कहीं स्थिति होती नहीं। जिन हम राज्यों की आज चर्चा कर रहे हैं, इन राज्यों में सबसे पहले अगर हम बंगाल की बात करें तो अभी भी कभी भी इस तरह की स्थिति सामने आई नहीं जहां पर कि गठजोड़ की सरकार बनने की स्थिति हो। अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर भी एक तरफा ही होता रहा है और ये ऐतिहासिक तौर पर आप देख सकते हैं। केरल में भी गडमट जैसी स्थिति बहुत कम आई है और जो आई है वो 70 के दशक में आई है, उसके बाद से ऐसी स्थिति आई नहीं। वहां तो कोलिशन ही इतने गड़बड़ है, इतनी पार्टियां हैं दोनों तरफ। बिल्कुल, लेकिन वो जो आप जो एक एक बड़े बड़े गठजोड़ जो हैं उनको देखें तो गठजोड़ की जीत होती है। बिल्कुल, और वो अपने आप में एक पारंपरिक स्तर रहा है। और असम की बात करें तो वहां पर भी अभी कोलिशन सरकार की स्थिति अभी तक आई नहीं है जब से असम में चुनाव शुरू हुए हैं राज्य के तौर पर। तो बड़ी ही एक तरह से स्पष्टता से ये कहा जा सकता है, कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि इस बार बंगाल को लेकर उहापोह की स्थिति क्या है कितनी भी हो, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है जो अभी तक मेरा तजुर्बा कहता है कि चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो एक तरफा ही होंगे, चाहे हम उसके बारे में कितना विश्लेषण क्यों ना करें। अजय अजय सौरभ, मैं एक चीज अजय से और जानना चाह रहा था। इस बार हमने चुनावों में देखा, पहले पांच फेज की अगर मैं पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं अजय, तो हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले अपना मत का प्रयोग करने के लिए। तो ये एक बहुत वेलकम चेंज हमने पश्चिम बंगाल, यानी बहुत निडर होके बिना किसी डर के वो निकले, लेकिन बाद में जिस तरह से कोरोना ने पूरी स्थिति बदल कर रख दी तो फिर शायद बाकी तीन फेजेस में थोड़ा कम जरूर हुआ होगा। बहुत ज्यादा कम नहीं पंकज, और यही अभी मैं कुछ देर पहले दर्शकों को इस बात के लिए कह रहा था कि हमें बंगाल की जनता का वाकई में एक तरह से उनके हौसले और जज्बे की दाद देनी पड़ेगी कि कोरोना के इस महाकाल के दौरान 70% से ज्यादा मतदान अपने आप में बताता है कि लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कितनी जुझारूकता है, और ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि लोग बड़े पैमाने पर आज भी बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। एक और बात हमें गौर करनी चाहिए यहां पर, हिंसा जिसकी चर्चा हम लगातार बंगाल के साथ करते रहे, 1967 के बाद से ये पहला चुनाव है बंगाल में जहां इतनी कम हिंसा हुई है, वरना हिंसा की जो खबरें आती थी बंगाल से वो लोगों को हतप्रभ कर देती थी। और ये हैरानी की बात है कि जिन केंद्रीय बलों की वजह से इस बार ऐसा चुनाव काफी हद तक शांतिपूर्ण हो पाया, वही खुद चुनावी मुद्दा एक बन गया। पश्चिम बंगाल में आज आखिरी और आठवें चरण का मतदान भी हो रहा है, आपको ये बता दें, और शाम 4 बजे तक बंगाल में 69% मतदान 69% मतदान हो चुका है। तो यानी ये दौर भी लगभग उसी बॉल पार्क परसेंटेज फिगर की ओर जा रहा है, 70-75-80% के करीब। बंगाल चुनाव के आखिरी दौर में आज 35 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अब तक सबसे ज्यादा बीरभूम में 74% वोटिंग हुई है, सबसे कम मतदान कोलकाता नॉर्थ में देखा गया है जहां पर 52% मतदान हुआ है। आपको बता दें पिछले दौर में भी कोलकाता में जिन सीटों पर चुनाव हुए थे बाकी राज्य के मुकाबले वहां पर कम वोट पड़े थे, मालदा वहां पर 71% और मुर्शिदाबाद में भी 71% मतदान हुआ है अभी तक। तो ये आंकड़ा जो है और आगे बढ़ने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए अब कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अपराजिता सारंगी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और संजय शर्मा जी टीएमसी के प्रवक्ता वो इस वक्त हमारे साथ हैं। अब चूंकि इस बार चुनौती झेल रही है ममता बनर्जी, तो मैं संजय जी आपके पास आना चाहता हूं। अब ये आप अभी तो पोल है और पोल के नतीजे थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे, लेकिन आपकी पार्टी अभी भी वो 2/3 जीत के दावे पे कायम है? हेलो जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। उन तक शायद हमारी आवाज नहीं, उनके उन तक शायद आवाज जा नहीं रही है। ये 2/3 का जो दावा तृणमूल की तरफ से था, ठीक ऐसे ही दावा बीजेपी भी कर रही थी, तो मैं यही सवाल अपराजिता जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपके एस्टिमेट में आज आखिरी दौर के मतदान में कुछ फेरबदल हुआ या आप भी वही है 200 पार? बिल्कुल 200 पार, बहुत विनम्रता के साथ लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कह रही हूं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और हमने जो मेहनत की है, हमने जो सांगठनिक स्तर पर मेहनत किया है, हमने जो लोगों के घर में जा जाकर उनसे बातचीत की है, उनका विश्वास उनकी आस्था जीतने की कोशिश की, और ये जो कुशासन का मॉडल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने वहां के लोगों को दिया है, मुझे लगता है उसके ऊपर जो हमने कुठाराघात किया है इसका परिणाम सबको दिखेगा। जी सुरेंद्र जी,
आपके गठबंधन को लेकर के भी बहुत बातें हुई, बड़े आरोप लगे कि इस बार आप लोगों ने ऐसी ताकतों से हाथ मिलाया जो कम से कम कांग्रेस की सेक्युलरवादी राजनीति के साथ तो मेल नहीं खाती थी। बहरहाल वो अलग बात होगी, चुनाव हो चुका है, लेकिन क्या उम्मीद है आपकी? आज मुझे सच में एक अजीब से फीलिंग आ रही है इस पे कि हम लोग कहीं ना कहीं, पूरा देश इस वक्त कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, इस वक्त ऑक्सीजन की कमी है, इस वक्त दवा की कमी है, इस वक्त सरकार जो है अपने कामों में कामयाब नहीं हो रही है, और सारी की सारी चीजें होते हुए आज इस वक्त इस पर बहस हो रही कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, जीत जाए जिसको जीतना है, हमें बहुत विशेष उस पर वो नहीं है। हम बहुत साफ सी बात बताते हैं कि होगा तो वही जो वो मतपत्रों पे होगा या जो ईवीएम मशीन में होगा। माफ कीजिए सुरेन जी, लेकिन क्या ये बात आप बड़े दावे के साथ केरल के लिए भी कहना पसंद करेंगे? क्या यही बात आप तमिलनाडु के लिए कहना पसंद करेंगे? क्योंकि ऐसा लगा नहीं कि बंगाल में बहुत ज्यादा आपका स्टेक पर था। मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत है, मुझे दिक्कत है अजय कुमार जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार थे जो हमारे, अब जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, कि आज समस्याओं पर बात होनी चाहिए, पड़ते हुए लोगों पर बात होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सांसें नहीं मिल रही है, इस पर बात होनी चाहिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहां से आएंगे इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप हम लोग इस पर एग्जिट पोल पर बात करके कहीं किसी को एग्जिट रूट तो नहीं दे रहे। अच्छा सुरेन जी मैं माफी चाहता हूं आपसे, एक सेकेंड, इतनी जिम्मेदारी का एहसास मुझे लगता है हम सबको है कि किस दिन क्या बात करनी चाहिए। अगर आप आज के अलावा बाकी पूरे दिन और आज भी अब से पहले भी टीवी चैनल हमारा देख रहे हो तो उस पर क्या खबर चल रही थी आप जानते होंगे, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आपको ये बताया नहीं गया था कि आज आपको किस विषय पर बुलाया है। तो कृपया ये तोहमत ना दीजिए हमें। अगर ऐसा था तो आप लोग चुनाव में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे थे? आप कहते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोरोना चल रहा है। दोनों चीजें बताता हूं पूरी तरीके से, सही बात है, आपने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन किया, इस पर आपको जवाब मिलना भी चाहिए और आपका सवाल भी होना चाहिए एक अच्छे पत्रकार के नाते। चुनाव में पार्टिसिपेशन और सारी चीजें चुनाव आयोग ने जब निर्णय ले लिया तो हमें मानना है, हम ले रहे हैं, और उस जिस वक्त चुनाव शुरू हुआ था उस वक्त कोरोना की लहर नहीं थी। आज जिस तरीके से पूरे देश में सौरभ भाई जो परिस्थितियां हो रही हैं, आप लखनऊ में देखिए, आप कानपुर में देखिए, ऑक्सीजन के वजह से जो है लोग मरते जा रहे हैं। बताइए ना, लेकिन मैं कि किसने कौन नहीं बात कर रहा उस पर, कौन नहीं बात कर रहा उस पर, ये बताइए ना कि आज जिस वक्त सबसे ज्यादा सरकार को जिम्मेवार ठहराने की और सरकार से रिलीफ लेने की आवश्यकता है, ये आपका एजेंडा है। सरकार को जिम्मेदार ठहराने का सिर्फ और सिर्फ आपका एजेंडा है। सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है और हर सरकार विपदा में जिम्मेदारी से काम करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। आपने आरोप लगाया मुझ पर यह कहते हुए कि मैं वरिष्ठ पत्रकार हूं फिर भी इस तरह की बातें कर रहा हूं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग ने क्या कोई बाध्यता रखी थी कि सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ पूरे चुनाव के हर प्रक्रिया में हिस्सा लें? आपके ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बार बार ट्वीट करके इस खतरे को आगाह करते दिखाई दे रहे थे, क्यों नहीं बायकॉट किया आपने? कह देते आप कि हम चौथे चरण के चुनाव के बाद बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे उम्मीदवार नहीं खड़े होंगे, यह हिम्मत क्यों नहीं दिखाई आपने? आज जो आप नसीहत दे रहे हैं हम सबको, ठीक है, बिल्कुल सही कहा जाए भाई आपने, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, पर क्या आपको नहीं करना चाहिए? जब हम आपको बात कर रहे हैं तो आपको बात इतनी बुरी लग जा रही है कि आप चुनाव के बायकॉट, बिल्कुल, क्योंकि आरोप लगाना अलग बात है। सुरेंद्र जी माफ कीजिएगा, बड़ी विनम्रता से जितना वक्त आपने राजनीति में गुजारा है उतना ही वक्त लगभग मैंने भी पत्रकारिता में गुजारा है, और इस बात को बड़े अच्छे से आपको भी समझना चाहिए सुरेंद्र जी। आरोप लगा देने मात्र से और पत्रकारों को सिर्फ कटघरे में खड़ा करने से आप विपक्ष का काम नहीं कर रहे, याद रखिए इस बात को। एक वक्त था जब आपकी सरकारें थी, आपसे भी हम सवाल पूछते थे और आपके नेता भी उसी तरह की जवाब दिया करते थे जिस तरह से आज आप सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में बोलते हैं, लेकिन पत्रकारों को समय लताड़ा नहीं जाता था जैसे आज आप लताड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लताड़ने की जो बात है अजय जी, तो पत्रकारों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? चलिए मैं आपसे इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, माफ कीजिएगा, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर सकारात्मक बातचीत नहीं होती है, माफ कीजिएगा सुरेन जी, नकारात्मक बातचीत से देश आगे नहीं चलता है। अजय जी हमारे याद रखिए, पवन नारा भी है, क्षमा करें
राजपूत जी सौरभ बोल रहा हूँ, आपको इस बात पर एतराज हो गया कि आज एग्जिट पोल क्यों दिखाया जा रहा है? जब दिन रात चैनल पर इंडिया टीवी पर कोरोना की खबरें चलती हैं, उस वक्त आप लोग एक फूटे मुंह आपके मुंह से ये नहीं निकलता कि ये आज आप लोगों ने अच्छा काम किया? ये जो रिपोर्टर खड़े हैं, जो एक सेकंड आप सुन लीजिए सर, आपने बहुत बोल लिया, ये जो रिपोर्टर खड़े हैं बाहर, ये जो एक मिनट सर सुनिए ना, यही रिपोर्टर होते हैं जो अस्पताल में जाकर के जिसकी मौत हुई है उसके परिवार की बात सुनाते हैं, यही डॉक्टर से बात करते हैं, यही कोरोना लेकर के अपने घर जाते हैं, अपने बच्चों को भी देते हैं, अपने माता पिता को भी देते हैं, इनकी तारीफ में एक शब्द नहीं। और मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं ब्रजेश शर्मा जी के उस प्रोग्राम की हमने तारीफ की जो दो महीने पहले उन्होंने किया था, जिसमें अक्षरत कांग्रेस ने तारीफ की। मेरा आपसे ये कहना है सर कि मैं हमारे मेरे चैनल पर क्या चलेगा ये कांग्रेस पार्टी तो तय नहीं करेगी। कम से कम कांग्रेस पार्टी ये तय कर सकती है कि वो उस कार्यक्रम में आएगी या नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर सकती कि इंडिया टीवी क्या दिखाएगा और नाम आपसे पूछकर दिखाएंगे। हम आपको आपकी जिम्मेवारी का एहसास करा रहे हैं, आप मुझे मेरी जिम्मेदारी मत दिखाइए। आज की डेट में आपसे सवाल हो रहे, आप क्या खुदाई फौजदार है कि आपसे सवाल नहीं हो सकते? सुरेंद्र जी, तो सवाल आप कीजिए ना, सवाल का जवाब आपको दे दिया, अब आपको एग्जिट पोल पे बात करनी है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको एग्जिट पोल पे बात करनी है। उखड़ गए हैं, अरे आपको एग्जिट पोल पे बात करनी है यहाँ से लेकर पहले तक के लिए आपको हमारी भला आचरण किया है। सुरेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं आपको एहसास हो गया कि आने वाले दिन कैसे आपके लिए होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में? तो शायद ये एक तरह की बौखलाहट है जो इस तरह से निकल रही है। सुरेंद्र जी, पंकज बोल रहा हूँ। पंकज भाई, आपका अपना मानना है, आपका अपना मानना पूरी तरीके से हम सर माथे पर स्वीकार करते हैं। जनता का अपना मानना है, वो 2 तारीख को पता चल जाएगा। मसला हमारा ये है ही नहीं, कतई नहीं है, यकीन मानिए कतई नहीं है। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ हूं और उस झंझावत से निकला हूं। आज जो है ये सब मन की व्यथा है, और ऐसी मन की व्यथा है मैं आपसे बताऊं कि जब आपका चैनल अच्छा काम करता है तो जी, मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने और मुझे दो बार कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है। मुझे कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है। सोमवार को मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, दूसरी बार कोरोना के इन्फेक्शन से छुटकारा पाकर। तो कोरोना के झंझार को कृपा करके हमें मत बताइए। हमारे कितने पत्रकार मित्र, हमारे संस्थान के कितने लोग कोरोना से ग्रसित हैं, इसकी व्यथा हम आपके सामने नहीं रख रहे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आज देश में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, बड़ा आयोजन था चुनाव। उस चुनाव पर आपकी आस्था है? अगर है तो क्या उसके एग्जिट पोल पर आप बात करने को तैयार हैं? देखिए, हमारी चुनाव पर अगर आस्था नहीं होती तो हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता तो हम चुनाव में हिस्सा क्यों लेते हैं? जय भाई, लोकतंत्र में तो मेरी भी आस्था है, आपकी भी आस्था है, और जो लोकतंत्र के लिए जो नियम कानून बनाए हैं ये सौभाग्य से कांग्रेस ने ही बनाए हैं। लोकतंत्र में जितनी कांग्रेस की आस्था उतनी तो किसी की भी नहीं है, जिम्मेवारी से कह सकता हूं। दूसरी बात साहब, दूसरी बात मैं आपसे कह दूं, देखिए हम बहुत डाइग्रेस हो चुके हैं, मुद्दे पर वापस आएं। जी, मैं मुद्दे पे वापस आने का, मुद्दे पर आते हुए ये बताइए कि आपको क्या लगता है बंगाल में कांग्रेस पार्टी और वामपंथ दल के गठजोड़ में क्या स्थिति बनने की आपको आशंका उम्मीद है? क्या आपको आशंका है कि आप हार जाएंगे? क्या आपको उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे? देखिए, चुनाव जो भी आदमी लड़ता है अजय भाई, वो जीतने के लिए लड़ता है, जीतता कोई एक है, ठीक है ना। फिर से मैं आज बताऊं कि मेरे पास सब कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन फिर से मैं बैक टू द उसी बात पे आता हूं कि देश महामारी के काल में है, और इस काल में मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जितना जिम्मेवारी वाला आचरण आपने किया उसको, उस आचरण को और बढ़ाइए। जिस तरीके से रजत शर्मा जी ने 2 महीने या 1.5 महीने पहले शो किया था, उस तरीके के शो जरूर होने चाहिए। आप अपनी बात पर ही रहेंगे ये हम जानते हैं सौरभ, हम चलते आगे बढ़ते हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे लगता है आज पार्टी का डायरेक्टिव लेकर के आया कि उनको ये बात कहनी है। और मैं सुरेंद्र जी आखिरी में ही आपसे ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। बात तो एग्जिट पोल पर ही होगी, आपको नहीं करनी है तो आप अभी हम कुछ अभी ये कहकर जा सकते हैं कि मैं एग्जिट पोल पर बात नहीं करूंगा, फिर हम खामखा व्यर्थ हम इस बहस पर नहीं पड़ेंगे। हमारा कार्यक्रम एग्जिट पोल का है आज का। मैं तो आपको बात नहीं करनी, आप मुझे अभी बताइए, नहीं करनी मुझे बात खत्म हो जाती है। मैं वही बात कहकर के, अगर सिर्फ एग्जिट पोल पर बात होगी तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें कोई इसमें बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र राजपूत जी, हम इंडिया टीवी ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
बहरहाल थोड़ी देर में चुनाव विश्लेषक सज्जन कुमार वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। वो खुद बंगाल के अंदर मौजूद हैं, एक एक सीट का हिसाब उन्होंने खुद लगाया है और अभी भी वो अब तक इस चर्चा में इसीलिए नहीं आए हैं क्योंकि वो अभी भी जो डेटा आ रहा है उसको भी टैबुलेट कर रहे हैं और थोड़ी देर में वो हमारे साथ स्टूडियो में होंगे, उनसे हम बात करेंगे। और सज्जन कुमार का जो रिकॉर्ड है चुनाव कवर करने का वो भी अपने आप में बहुत कुछ बताता है। उनका आज का एग्जिट पोल क्या कहेगा, किन पैमानों पर उन्होंने एग्जिट पोल किया है, क्या है उनका तरीका, ये आपको वो खुद बताएंगे आपसे थोड़ी देर में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।